अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है मैं लाइव ही ग्रॉसरी शॉपिंग को शेयर करूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आजकल काफ़ी चेंज रूटीन कर रही हूँ। और चेंज किसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सबको अच्छा लगता है। तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरा ये चीज आपको कैसा लगा। तो ग्रीन चिलीज मैंने ली है और ग्रीन चिलीज का सालन बनाना है। ऑलरेडी घर में अवेलेबल थी दो किस्म की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थोड़ी थी, सॉरी थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी थोड़ी थी। तो जो है इसमें से काफ़ी ख़राब भी हो गई थी, तो मैं और लेकर आई हूँ ये ग्रीन चिलीज। और दो किस्म की मिली हैं, तो मिक्स करके आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी ग्रीन चिलीज का सालन। और ये सालन जो है मैं बनाऊँगी छोटी सिस्टर की फरमाइश पे। उसके अलावा मसर लिए हैं मैंने, और साबुत मूंग ली है, और वाइट चने लिए हैं। तो ये चीज़ें ली थी, और थोड़ी सी जो है हम लोगों ने सब्जी परचेज की थी, तो वो भी मैं आपके साथ यहीं पर ही शेयर कर देती हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब्ज़ी को जो है कमरे में लेके जाना और फिर निकालना, पूरा सेटअप करना। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सब्जी भी जो है ना मैंने रैंडम ही आज परचेज़ की है, और ऐसे कुछ इरादा नहीं था इसको परचेज़ करने का। और जो रूटीन की सब्ज़ी को खा खा के दिल जो है थोड़ा सा तंग पड़ गया था, क्योंकि अब चिकन और जो मटन है वो बिल्कुल हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया अपने डाइट में से, और मौसम भी चेंज हो रहा है। तो ये ली है तोरी, आलू और हरा धनिया। ठीक है जी, हरा धनिया तो बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, इसके साथ इन्होंने थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर ली है हम लोगों ने पालक, ग्रीन चिलीज और बंद गोभी। तो ये मैंने अपने कीबोर्ड डार्क वाली ले ली है। अब कोई चलो फिर ये यूज़ कर लेना। अमूमन मैं जो हूँ लाइट वाली लेकर आती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आज जो है हम लोगों ने इसके कैबिज के पकौड़े भी खाए हैं, कॉलीफ्लावर कैबिज क्या कहते हैं इसको, बंद गोभी। तो सब्जी वाला कह रहे थे इसको बंद गोभी नहीं कहते, पत्ता गोभी कहते। अच्छा चलिए जी, हर एक का अलग है इसका कहना, ठीक है। हम तो इसको कहते हैं बंद गोभी या कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिए, इसके पकौड़े खाए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो अभी जो मुझे ढेर सारा काम करना है वो ये है कि मुझे पालक बनानी है, इसको ब्रंच करना है, और इसके साथ साथ जो है मुझे निकालना है देसी घी। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, और मैं आज हूँ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। तो आप लोग भी अपने रूटीन मेरे साथ शेयर करें। ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं कि मुझे चेंज ब्लॉग बनाना चाहिए या वही सेम पैटर्न के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने चाहिए? आपकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।